हेलो गाइस, वेलकम टू मल्टीटेक हैकर। हर्षित पांडे हेयर, और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 50,000 रुपीज़ कैबिलेक गेमिंग पीसी बिल्ड। ये पीसी बिल्ड उन लोगों के लिए जो कि 1080p रिजोल्यूशन पे गेमिंग करना चाहते हैं। गेमिंग के साथ साथ ये प्रोडक्टिविटी और वीडियो एडिटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमने सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर इस पीसी बिल्ड में यूज़ किया है 120 GB की SSD, तो जो वीडियो रेंडरिंग टाइम है वो काफ़ी कम होगा। इसके अलावा इस पीसी की जो रॉ परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी टॉप नॉच होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम नजर डालते हैं इस पीसी की परफॉर्मेंस पे। तो ये पीसी 1080p रिजोल्यूशन पे मॉडर्न AAA टाइटल्स को रन कर सकता है मीडियम टू वेरी हाई सेटिंग्स पे, और आपको मिलेंगे 60 FPS और कुछ केसेस में 60+ FPS। और ये पीसी ओल्डर टाइटल्स को 1080p रिजोल्यूशन पे रन कर सकता है मीडियम टू मैक्स सेटिंग्स पे, और आपको मिलेंगे 60 FPS और कुछ केसेस में 60+ या फिर 100+ FPS। तो अब हम नज़र डालते हैं इसके पार्ट्स पे। तो प्रोसेसर में मैंने चूज़ किया इंटेल पेंटियम G4560। इस प्रोसेसर की कीमत है 6,000 रुपये, और ये मिड रेंज मार्केट में सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। ये 7th जनरेशन फैमिली को बिलोंग करता है, कैबिलिक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसमें दी गई है 2 कोर 4 थ्रेड, और ये हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। इसकी बेस क्लॉक है 3.5 GHz, और ये इंटेल HD610 ग्राफिक्स के साथ में आता है। मदरबोर्ड में हमने चूज़ किया गीगाबाइट GA H110 MS2 मदरबोर्ड। ये LGA1151 सॉकेट वाला मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड अपडेटेड बायोस के साथ में आता है, तो आपको मैन्युअली बायोस अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आउट ऑफ द बॉक्स इंटेल पेंटियम G4560 के साथ में कंपेटेबल रहेगा। इसकी कीमत है 4,400 रुपीज़। ये 2 चैनल DDR4 मेमोरी सपोर्ट करता है। आप इसमें मैक्स 32 GB मेमोरी लगा सकते हैं 2133 MHz पे क्लॉक करने वाली। हार्ड डिस्क में हमने चूज़ की है वेस्टर्न डिजिटल ब्लू डेस्कटॉप 1 TB हार्ड डिस्क। इसकी प्राइसिंग है 3,400 रुपीज़। ये 7200 RPM पे वर्क करती है, 2 ईयर्स की वारंटी के साथ में आती है, और इसमें 64 MB बफर साइज़ है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी हार्ड डिस्क है, और 1 TB स्पेस मोर देन इनफ है गेमिंग सेटअप्स, मूवीज़, इमेजेस और भी कई सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे मैंने चूज़ किया किंगस्टन UV400 120 GB साटा 3 2.5 इंचेस सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसकी प्राइसिंग है इंडिया में 3,700 रुपीज़, और ये 7200 RPM पे वर्क करने वाली हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में 10 टाइम्स फास्टर है। तो ये अपने पीसी की परफॉर्मेंस को इनहेंस करेगी। जो बूट टाइम है पीसी का वो आपको काफ़ी कम मिलेगा, साथ ही साथ में जो वीडियो रेंडरिंग टाइम है वो भी आपको काफ़ी कम मिलेगा, और जो रॉ परफॉर्मेंस है पीसी की वो भी आपको टॉप नॉच मिलेगी। रैम के लिए मैंने चूज़ किया है रिपजॉस वी सीरीज 16 GB DDR4 रैम। इसकी प्राइसिंग है इंडिया में 11,000 रुपीज़, और ये 10 ईयर्स की वारंटी के साथ में आती है। इसकी क्लॉक स्पीड है 2133 MHz, और मेरे हिसाब से 16 GB DDR4 मेमोरी 2080 में गेमिंग और एडिटिंग के लिए मोर देन इनफ है। पावर सप्लाई यूनिट के लिए हमने चूज़ की है कॉर्सेयर 450W पावर सप्लाई यूनिट। 450W पावर सप्लाई यूनिट अपने पीसी को पावर अप करने के लिए सफिशिएंट है। ये 80% पावर एफिशिएंट है, और 3 ईयर्स की वारंटी के साथ में आती है। इसकी प्राइसिंग है 2,500 रुपीज़, और अपने पीसी के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगी। GPU में हमने चूज़ किया है ASUS GeForce GTX 1050 Ti GPU। इसकी प्राइसिंग है 13,800 रुपीज़। ये 4 GB GDDR5 मेमोरी के साथ में आता है। इसकी बेस क्लॉक है 1290 MHz, बूस्ट क्लॉक है 1392 MHz, और मेमोरी क्लॉक है 7008 MHz। ओवरऑल काफ़ी अच्छा GPU है, और गेमिंग के दौरान आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो आखिर में अब हम बात करते हैं कैबिनेट की। तो कैबिनेट में हमने चूज़ किया कॉर्सियर कार्बाइड सीरीज स्पेक 1 कैबिनेट। ये ATX फॉर्म फैक्टर वाला कैबिनेट है। इसमें एक LED फैन दिया गया है, और आप इसमें मैक्सिमम 5 फैंस लगा सकते हैं। इसकी प्राइसिंग है 3,300 रुपीज़। ये एक USB 3.2 स्लॉट के साथ में आता है। इसमें साइड पैनल ग्लास का दिया गया है। ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा कैबिनेट है, और इसमें केबल मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी स्पेस है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा 50,000 रुपीज़ कैबिलिक गेमिंग पीसी बिल्ड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही।